हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं आपकी दोस्त यानी कि होस्ट फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। तो दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ मैगी पकौड़ा, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंजॉय कीजिए, कोई स्किप ना करे। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए आगे की अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मैगी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली ले लिया। ग्रीन चिली को मैंने काट के रखी हूँ, कटा हुआ अनियन, ग्रेटेड गाजर, कटा हुआ टमाटर और साथ में मैंने एक छोटा पैकेट मैगी लिया है। मैगी बॉयल होने के लिए मैंने एक बोल पे पानी ऐड कर दिया और पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें मैगी को ड्राई रखना है। और उसे हल्का सा नमक डालेंगे उसके ऊपर। अब मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं। उसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैगी बॉयल हो चुके हैं अच्छी तरह से और हमें इतना ही ड्राई चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो हमने गैस को बंद कर दिया और कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैगी ठंडा हो चुके हैं, अब मैं सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर दूंगी। अब उसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, बेसन और नमक स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले हम बेसन ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, कॉर्नफ्लावर। हम बेसन से ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि क्रिस्पी होने के लिए। और लास्ट में हम ऐड करेंगे मैगी मसाला और हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि बॉयल होते वक्त भी मैंने नमक दिया। आप अपने स्वाद अनुसार दीजिए। ब्लैक पेपर, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ब्लैक पेपर और ग्रीन चिल्ली मत डालिए। पहले सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स कर लेते हैं और हम मिक्स करते वक्त पानी नहीं ऐड करेंगे, अगर चाहिए होगा तभी हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब हम सबसे पहले कढ़ाई बिठा देंगे तेल गर्म होने के लिए, फिर हम छोटे छोटे करके पकौड़ा बना लेंगे। तो हमने चारों ओर इसी तरह से गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लिया। देखिए बहुत सुंदर कलर आए। फाइनली हमारे मैगी पकौड़ा बनके तैयार हो चुके हैं। अब उसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।